हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव पावरफुल इंग्रेडिएंट के बारे में बताने वाली हूँ, वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन डल हो गई है, स्किन को ब्राइटन करेगा, लाइटन करेगा, मतलब तमाम प्रॉब्लम से दूर करता है। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में मैं एक विटामिन सी सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ, और वो है ये वाओ का विटामिन सी फेस सीरम। इसमें 20% विटामिन सी यूज़ किया गया है, और विटामिन सी के साथ साथ विच हैज़ हाइलोरोनिक एसिड यूज़ किया गया है। ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और मिनरल ऑयल फ्री है ये सीरम। तो इसको मैं कुछ दिनों क्या काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये बॉटल फिनिश होने वाली है, थोड़ा सा ही बस बचा हुआ है, तो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी तक विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं किया था, पर हमेशा मैं देखती रहती हूँ विटामिन सी सारे जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं सारे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिनमें विटामिन सी है, फेस वॉश, सीरम, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। तो आखिर ऐसा है क्या विटामिन सी में सीरम में कि लोग इतना इसको पसंद करते हैं, सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट निकाल रही हैं? तो मैंने सोचा एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो वैसे मैं ज़्यादातर मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ, पर ये विटामिन सी वाओ का विटामिन सी सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। इसके कैसे रिजल्ट्स मिले, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करूँ, तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, ऐसा बॉक्स में आएगा, सारा डिटेल बाहर मेंशन है। 30 ml का ये पैक है। इसके प्राइस की बात करूँ 699 rupees है, पर आपको 400 अराउंड में ये मिलेगा, क्योंकि अभी सेल भी चल रही है हर जगह, तो आपको डिस्काउंट अच्छे मिल ही जाएंगे इस पर। और ये सीरम डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसी कंसिस्टेंसी है जो कि कंसिस्टेंसी ऐसी है कि बहुत अच्छे से आपके स्किन पे पेनिट्रेट हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, नॉन स्टिक है, और एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसकी फ्रेग्रेंस है, और फ्रेग्रेंस इसकी जैसे लेमन एसेंशियल ऑयल होता है उस टाइप की है, मतलब सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। उसमें यूज़ किया गया है 20% विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, लाइटन करेगा, आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से, सन टैनिंग से बचाएगा। इसमें विच हेजल यूज़ किया गया है जो कि कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है, स्किन को क्लैरिफाई करेगा, स्किन टोन को इवन करेगा। इसके साथ इसमें हाइलोरोनिक एसिड यूज़ किया गया है, और हाइलोरोनिक एसिड हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन को रेडियंट बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। तो उसमें ये चीज़ें यूज़ की गई है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो सीरम है ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को रिपेयर करेगा, आपकी स्किन पे फाइन लाइन रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, सन टैनिंग है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इन सारी चीज़ों से आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, फाइन लाइंस को की प्रॉब्लम को दूर करेगा, एंटी एजिंग का ये बहुत अच्छा काम करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करेगा। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए अच्छे से, ड्राई हो जाए, फिर आप टोनिंग कीजिए, टोनर यूज़ कीजिए। टोनर जब ड्राई हो जाए उसके बाद आप इस सीरम को अप्लाई करें, और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बहुत कम अमाउंट लगेगा आपको, और इसको अच्छे से फेस पे लगा लीजिए। और फिर 2-3 मिनट बाद जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, मेकअप वगैरह भी आप कर सकते हो अगर दिन में इसको यूज़ करते हो तो। आप इसको 2 बार भी लगा सकते हैं, मैं सिर्फ इसको नाइट में यूज़ करती हूँ, और दिन में मैं अपना जो भी अलग से मॉइस्चराइज़र जो भी यूज़ करती हूँ वही यूज़ कर रही हूँ, पर इसको ओवरनाइट लगा के रखती हूँ।
तो अब बात करते हैं मुझे प्रोडक्ट कैसा लगा। तो ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद परचेस किया है। और इसको यूज़ करने के बाद, मतलब जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो 3-4 दिन नहीं समझ आएगा, कुछ ऐसा नहीं करता है। और पर जब मैं मॉर्निंग में फेस वॉश करती थी तो मेरा फेस काफ़ी अच्छा लगता था, मुझे ऑयल फ्री लगता था, थोड़ा क्लीन लगता था। पर 10-15 दिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपके जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो थोड़े से लाइट होते नज़र आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि काले जो स्पॉट्स हैं वो लाइट हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, पर जो ब्राउन स्पॉट्स हैं ना वो थोड़े थोड़े लाइट हो जाएंगे। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जैसे मुझे फॉरहेड पर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो काफ़ी हद तक ठीक हुआ। लिप्स के अराउंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन था, वो सही हुआ। मतलब ये स्किन टोन को काफ़ी अच्छे से इवन करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, और मेरे स्किन पे इसने स्पॉट्स को भी कम किया। स्किन थोड़ी सी क्लीन लगने लगी इसको यूज़ करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें ये सच में करता है। और मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, पर मेरे स्किन पे अभी एक्टिव एक्ने नहीं है, तो मैं इसको यूज़ कर रही थी। अगर आपको आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं तब आप इसको यूज़ नहीं करो, 1-2 पिंपल्स हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत चेहरा पिंपल से भरा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करना, नहीं तो आप बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं सोचा नहीं था कि ये सीरम इतने अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मैंने रोज़ हिप सीरम काफ़ी दिनों तक यूज़ किया, मतलब उसका पूरा पैक कंप्लीट किया था। टी ट्री सीरम जो गुड वाइब्स का था वो भी यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छे से काम किया। तो सीरम मुझे ऐसा लगता है मेरे स्किन पे अच्छे से काम करते हैं, तो ये था कि ये करेगा कि नहीं, पर इसने भी बहुत अच्छे से काम किया। और आप बिल्कुल अपने स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी सीरम को इंक्लूड करो। और मैंने कोई और ब्रांड के विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये किया, पर इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। आप बिल्कुल इसको एक बार परचेस करके देखो। और विटामिन सी के बहुत सारे सीरम्स आते हैं, आप अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो आप 5% से भी यूज़ कर सकते हो, पर ये 20% है। मैंने डायरेक्ट 20% से स्टार्ट किया पर मेरे स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखो। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेसिंग लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। बिल्कुल परचेस करके देखो, और अगर आप यूज़ कर चुके हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे रिजल्ट्स मिले इसके। तो आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।